ये मैनुअल टॉर्क स्क्रू ड्राइवर है बेसिकली। हम इसको क्या करने वाले हैं अभी, न्यूटन मीटर कैसे सेट करते हैं इसमें और ये बिट लगा के इसमें कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर सेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉकिंग सिस्टम है तो लॉक सिस्टम के लिए आपको ये नीचे के लिए पुल करना पड़ेगा, ये लॉक सिस्टम खुल जाएगा इसके। उसके बाद आप यहाँ पर न्यूटन मीटर सेट कर सकते हैं। रीडिंग देखिए, ये रीडिंग दिखा रही है आपको। आप ऐसे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तो न्यूटन मीटर सेट होगी इसकी, ठीक है। न्यूटन मीटर सेट है तो मुझे सेट करना है इसलिए। मुझे कुछ न्यूटन मीटर में सेट कर लेता है इसमें, 1.2 न्यूटन मीटर में सेट करता है इसमें, ठीक है। सेट कर लिया मैंने ये 1.2 न्यूटन मीटर। सेट करने के बाद मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ, ये लॉक हो गया। अब क्या इसे क्या है? जिसने सेट किया वही इसको चेंज कर सकता है, कोई यूजर को अगर नहीं पता होगा तो इसे कोई चेंज नहीं, ये लॉक हो गया। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के बिट लगा सकते हैं, अंदर मैग्नेट फिट है इसके, ऐसे मैग्नेट से होल्ड है ये, ऐसे डिफरेंट टाइप के इसमें बिट लगा सकते हैं आप, एलन बिट लगा सकते हैं, ये होल्ड रहेगा इसमें, ठीक है, ये होल्ड रहेगा। इस तरीके से आप इसको नीचे पुल करोगे, ऐसे कुछ भी न्यूटन मीटर सेट कर सकते हैं इसमें आप। ये सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपको ये देखना है कि आप जो स्क्रू टाइट कर रहे हैं वो टाइट होता है कि नहीं। इसमें कैसे पता चलेगा हमने स्क्रू ड्राइवर टाइट किया है स्क्रू, तो आइए मैं आपको एक थोड़ा मैं डेमो दिखाता हूँ कि स्क्रू टाइट करेगा। इसमें से एडजस्टेबल क्लिक टाइप स्क्रू ड्राइवर है, तो अभी यहाँ से क्लिक साउंड का आवाज आएगा, देन आपका जो स्क्रू है वो टॉर्क हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी देखिए क्लिक साउंड आवाज देगा। यहाँ देखिए